हेलो वॉचर्स, आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। मतलब बहुत ही डरावनी? मतलब यार, बचपन में जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मेरी फटके चार, मतलब मैं डर गया था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए अपन सुनाएगा ये कहानी। इसमें है एक खतरनाक ड्रैकुला, फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर, बहुत सारे आदमखोर भेड़िए, बहुत सारी खूबसूरती। हाँ हाँ यार, इसी को देख के तो मेरी फटी, मतलब डर गया था मैं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, रियल ब्यूटी भी है यार। आँखों में तेरी अजब सी, बस करो यार, आगे डरना भी है। और है हमारा हीरो द बुलबरी, मतलब वैन हेल्सिंग, क्योंकि गाइस ये वही एक्टर ह्यूग जैकमैन है जिन्होंने द फेमस वुल्वरीन का रोल किया है। सो वॉचर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिखाया जाता है ट्रांसिल्वेनिया 1887 का टाइम, जहां पर किसी को जिंदा कर रहे होते हैं डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन। वो जिंदा करते हैं एक मॉन्स्टर अपने साइंस और ड्रैकुला के तिलिस्मी ताकत से। लेकिन वहां पर था ड्रैकुला अपने बच्चों को डॉक्टर के इन्वेंशन की मदद से जिंदा करना चाहता है, मगर डॉक्टर कहता है कि मर जाऊंगा मगर तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं करूंगा। और ये सब चल ही रहा था कि गांव वालों को पता चल गया, लेके लाठी वाटी मशाल वशाल जला दिया पूरा का पूरा, और उसके बाद सब जलने लगा। लेकिन सब जलने से पहले ये देख लो यार, ये ड्रैकुला के तो अलग ही स्वैग है। इधर डॉक्टर का इन्वेंशन मॉन्स्टर कोशिश करता है डॉक्टर को बचाने की, मगर वो सब के सब आग के अंदर, और ड्रैकुला के साथ उसकी बीविया। बीविया, तुम्हारे मन में भी चढ़ा, समझाओ इसे, समझाओ। सब रोने लगते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को अब जिंदा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद कहानी एक साल बाद पेरिस में, अपना हीरो द वैन हेल्सिंग अपने पोस्टर को उखाड़ कर, सिगार को सूंघ कर, एक हैवान से कहता है कि सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है यार। लेकिन साला हैवान कहता है, तुमको क्या लगता है तुम हमको बोलेगा और हम छोड़ देंगे? ले बेटा, सिगरेट पिएंगे ही नहीं बल्कि खाइबो करेंगे। और उसके बाद वैन बोलता है, अब तो तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी। हाँ, जिसके बाद अपना हीरो हैवान का पेट फाड़ कर उसके हाथ काट कर छत से नीचे गिरा देता है। मगर ये क्या, ये तो एक आदमी था जिसके लिए लोग वैन हेल्सिंग को कहते हैं तुम कातिल हो, और वो इसीलिए बदनाम भी है। जिसके बाद वो अपने गुरु के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है वैन हेल्सिंग बंदा है बहुत खास और नहीं है कुछ भी उससे पहले का याद। मगर उसका नेक्स्ट टारगेट है ड्रैकुला को मारना, क्योंकि ये सब लड़ते हैं हैवानों से और बचाते हैं इंसानियत को। इधर ट्रांसिल्वेनिया में अपनी हीरोइन द खूबसूरत द हसीना, जिसको देख के आया मुझको पसीना, बिकॉज शी इज डैम हॉट। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। दोस्तों, एना है इसका नाम और करना चाहती है भेड़िया का काम तमाम, क्योंकि यह इसका खानदानी काम है। यह है एक वेलेरियस राजकुमारी, और गलती मत करना इसको समझ के तुम अबला नारी। मगर भेड़िया का शिकार करते करते इसका भाई फैल्कन हो जाता है शिकार और गिर जाता है पानी में, जिसको देखकर एना हो जाती है सैड। और इधर अपना हीरो भी आ जाता है शहर में, और आते ही इधर हीरो हीरोइन की गुटरगुट चली रही थी कि ले हमला। और क्या, अपना हीरो द वैन हेल्सिंग चुड़ैलों पर तीर चला कर हीरोइन को ले जाने से बचा कर हीरोइन को अपने ऊपर गिरा कर, मजा आया। लेकिन आ जाता है चुड़ैल को गुस्सा, तो बोलती है मगर अपना द वैन हेल्सिंग उसके बाद निकालता है तीर धनुष और ले तीर और क्या, पेल देता है, मतलब मार देता है चुड़ैल को। आगे एना अकेले ही ड्रैकुला को मारना चाहती है तो वैन उसको बेहोश कर देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अबे नहीं यार, बस लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। रात में आता है भेड़िया, जो कि था एना का भाई फैल्कन, क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि काटा था भेड़िया ने, तो उसके वजह से वो भी भेड़िया बन गया था। जिस पर वैन चला देता है गोली, मगर वो भाग जाता है। जिसके बाद उसका पीछा करते हुए वैन और एना पहुंचते हैं एक पुरानी हवेली में, जहां पे अंदर से आवाज आ रही होती है। अंदर ड्रैकुला फैल्कन द भेड़िया की एनर्जी यूज करके करना चाहता है अपने बच्चों को जिंदा, क्योंकि डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन का असिस्टेंट है ड्रैकुला के साथ जो आया आदमी गंदा। आगे ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा कर दिया जाता है, और वो गांव में जाके जनता मासूम का पीने लगते हैं खून। इधर ड्रैकुला के सीने में वैन गाड़ देता है एक खंजर, लेकिन साला ड्रैकुला तो मरा ही नहीं, और ये था एक खतरनाक मंजर। ज्यादा एनर्जी ना होने की वजह से बाहर ड्रैकुला के बच्चे मरने लगते हैं। ड्रैकुला का ध्यान भटकता देख अपने हीरो हीरोइन भी
भागने लगते हैं, क्योंकि यार कौन लेगा ड्रैकुला से पंगा जो कि ऑलरेडी मरा हुआ है। इंसानों का खून पी पी के जिंदा है यार, तो कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना होगा ना। इधर गांव में हीरो के दोस्त को एक क्लू मिलता है, ड्रैकुला को बन के ओनली द भेड़िया ही मारा जा सकता है। इधर भागते भागते वैन द हेल्सिंग गिरता है एक गड्ढे में, जहां पर वो मिलता है फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर से। वो मरा नहीं है यार, कहता है कि ड्रैकुला उसकी तलाश में है क्योंकि वही जिंदा कर सकता है उसके बच्चों को, मगर एना मरना चाहती है मॉन्स्टर को। लेकिन वैन बचा लेता है मॉन्स्टर को, क्योंकि उसी से ही तो वो पकड़ेगा ड्रैकुला को। आगे वैन मॉन्स्टर को रूम ले जाने लगता है, लेकिन पता चल गया था ड्रैकुला को, तो भेज दिया अपनी बीवियों को पकड़ने के लिए। लेकिन अपना हीरो बना के प्लान ले लेता है चुड़ैल की जान, जिसके बाद आता है भेड़िया जो कि किसी को भी नाखूनों से फाड़ देता है, मगर अपना हीरो बंदूक निकाल कर भेड़िया को भी मार देता है। लेकिन 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 भेड़िया कोई और नहीं बल्कि फाल्कन भाई है, जिसको देखकर एना की आंख भर जाती है। मगर ये क्या, हीरो को काट लिया भेड़िया ने, तो मतलब कि वो भी बनेगा भेड़िया, क्योंकि अब वो उसी की प्रजाति है। इधर दूसरी चुड़ैल को आया गुस्सा, तो उठा के ले गई द हीरोइन को। आगे हीरो जाता है भेस बदल कर एक पार्टी में, जहाँ डांस कर रहा होता है द ड्रैकुला। हीरो जाकर दे देता है चुनौती खुल्लाम खुल्ला, मगर ड्रैकुला ने पकड़ लिया था फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर को, तो उन सभी लोगों को वहां से भागना पड़ता है। इधर अब द ड्रैकुला करेगा अपने बच्चों को जिंदा, जो होंगे एक खतरनाक घोष, इसीलिए एक छिपे हुए गुप्त बर्फीले रास्ते से पहुंच जाते हैं ड्रैकुला के महल तक, हीरो हीरोइन और उसका दोस्त। महल के अंदर ड्रैकुला कर रहा होता है मॉन्स्टर को रिचार्ज, मतलब उसी की एनर्जी से तो वो जिंदा करेगा ना अपने बच्चों को। इधर अपना हीरो वैन अटेरिया पे चढ़कर मॉन्स्टर को छुड़ाकर चुड़ैल से मार खाकर नीचे गिर जाते हैं। इधर एना जाती है ढूंढने एक इंजेक्शन, जो कि है भेड़िया का सल्यूशन, मतलब एक इलाज तो है हीरो की बीमारी का, मतलब भेड़िया का, क्योंकि भेड़िया ही मार सकता है ड्रैकुला को, तो इसीलिए ड्रैकुला ने इलाज भी रखा है। इधर इंजेक्शन ढूंढने के चक्कर में ट्रैप हो जाती है एना, जहां आती है चुड़ैल दीदी और कहती है सुनो ना, जिसके बाद एना हांडी फोड़कर चुड़ैल का मुंह जलाकर इंजेक्शन दोस्त को देकर चुड़ैल के साथ अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में खेलने लगती है। चुड़ैल दीदी कहती है थप्पा, और फिर लेकिन यार हीरोइन का नहीं है कोई मेल, भोग देती है चुड़ैल के सीने में चांदी का खंजर, जिससे मर जाती है चुड़ैल। इधर नीचे द ड्रैकुला पेन हेल्सिंग से कहता है अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा जानी, लेकिन अपना हीरो कहता है सरप्राइज सरप्राइज, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है खतरनाक आदमखोर भेड़िया में, जिसके बाद और क्या पटक पटक के पेल देता है, मतलब वैन हेल्सिंग द ड्रैकुला को मार देता है। मगर हीरो को अब ठीक करना भी जरूरी था, तो आई हीरोइन और दौड़ कर जाती है हीरो के पास ताकि लगा सके इंजेक्शन, लेकिन हीरो हो चुका था खूंखार, इसीलिए कर देता है एक्शन। मगर तब तक हीरोइन ने काम कर दिया था, लेकिन हीरोइन की मौत हो जाती है, और आता है सबसे सैड मोमेंट। यार ये सीन देख के तो मेरा थोड़ा दिल भर आया, पर ठीक है मूवी है मूवी है। आगे हीरो करके अंतिम संस्कार, चलता है अपने नए मिशन पे, और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए बुरा भी बनना पड़ता है। दोस्तों अगर वीडियो मजेदार लगा हो, रियल में मजा आया हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।